सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके भोपाली व्लॉग्स। और आज अपन जाने वाले हैं इस्तीमे में। कल जो है दुआ होने वाली है, तो आज अपन निकलने वाले हैं। रात में ईशा अपन वहीं पे पढ़ेंगे और इसके बाद बयान वगैरह सुनेंगे, इबादत करेंगे और इसके बाद सुबह दुआ होगी, तो इसके बाद अपन घर को निकल लेंगे। और अभी अपन जाने वाले हैं, तो अभी चिरायू पर हम चाय वगैरह पी रहे हैं। चाय पीने के बाद अपन निकलते हैं। थोड़ा गर्म गर्म मामला हो जाएगा यार, इसलिए थोड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि ठंड बहुत तेज़ पड़ रही है अब। तो निकलते हैं, तो खानी है निकलते हैं कुछ इस तरीके से अपन। तो कुछ इस तरीके का है अपना लुक, देख सकते हैं इस तरीके से पहन के आए हैं। और ये देखो नई गाड़ी लेके आए हैं, हर महीने नई गाड़ी उठा रही है। देख सकते हो बंदा बहुत ज़्यादा अमीर है, आप लोगों की दुआ है। ये देख सकते हैं ऊपर वाले का क्रम है। अगली बार कौन सी ले रही है लूना? चलिए ठीक है, इसी में मिलते हैं और फटाफट यहाँ से निकलते हैं चाय पी के। चलते चलते अपन पहुंच चुके हैं बैरागढ़ में और यहाँ की फेमस जलेबी खा रहे हैं, ये देख सकते हैं। और अभी बिल्कुल ताज़ी ताज़ी निकल रही है और खाते हैं, इसके बाद निकलते हैं। और अपन हिस्से में जा रहे हैं, खाने पीने जा रहे हैं दोनों। तो अभी अपन जा रहे हैं अचारपुरे वाले रास्ते से और इधर लाइट लगी हुई है। मेरा फेस तो दिख नहीं रहा होगा, काला हो गया है, लाइट पड़ नहीं रही है अपने फेस पे। और रास्ता इस टाइप से आप देख सकते हैं, कच्चा है तो धूल उड़ रही है। तो अपन पहुंच चुके हैं पार्किंग पर और यहाँ से कार पार्किंग स्टार्ट हो गई है और बाइक पार्किंग आगे है। ये देख सकते हैं खिदमत में लोग खड़े हुए हैं। चुके हैं पार्किंग में, गाड़ी अपन ने पीछे पार्क कर दी है, आ रहे हैं टेंट में। सामने से रास्ता है तो अपन जा रहे हैं पंडाल में, वहाँ पर बयान वगैरह चल रहे हैं, तो बैग वगैरह अपन वहीं लेके चलते हैं और चादर वगैरह बिछा के वहीं पर बैठेंगे। तो बाइक पार्किंग से टेंट की दूरी लगभग 2-3 किलोमीटर के लगभग थी और अपन पैदल पैदल चल रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र की एक जमात ने अपना मैजिक रोक लिया क्योंकि 2 लोगों की जगह खाली थी उसमें, और हम दोनों को उन्होंने बिठा लिया और हम पहुँच गए यहाँ पर टेंट में। फाइनली अपन आ चुके हैं इस्तीमे में। अब बच चुके हैं रात के 8 और अपन को बहुत तेज भूख लग रही है। इसके बाद हम लोग पहुँच गए फूड जोन में और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या खाया जाए। तो 70 रुपये में भरपेट खाना था, कोरमा और तंदूरी रोटी अपन ने यहाँ पे खाई। टोकन लेकर अपन बैठ गए थे क्योंकि पब्लिक ज़्यादा थी, तो यहाँ पर खाना ख़त्म हो गया था तो डबल से बन रहा था, तो अपन वेट कर रहे थे। और इसके बाद अरशद भाई को एक चीज़ पसंद आ गई, नाम नहीं पता था लेकिन हमने सोचा लेके देखते हैं, और खाया तो बहुत अच्छा लगा था, स्वीट था। और इसके बाद हम लोगों ने चाय पी और इसके बाद हम लोग चल दिए वजू खाने क्योंकि ईशा का टाइम होने वाला था। तो जैसे ही हम लोग वजू खाने पर गए तो अपनी मस्जिद के कुछ साथी वहाँ पर मिल गए, तो हम लोग उनके साथ हो गए। और इसके बाद हम लोग चल दिए उनके ठिकाने पर जहाँ पर वो बैठे हुए थे। और इसके बाद अपन लोग पहुँच गए नूर महल में, जो कि अपना हल्का लगता है, और अपना जो खित्ता नंबर है वो 167 है। और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद काफी देर अपन ने हजरत जी के बयान सुने, इसके बाद नींद आने लग गई थी तो अपन सो गए। और इसके बाद सुबह नमाज पढ़ने के बाद अपन पैर दबाकर बैठ गए क्योंकि रात से ज्यादा सर्दी सुबह पड़ रही थी, और अपन हजरत जी के बयान सुन रहे थे और काफी देर अपन ने बयान सुने। इसके बाद अपन लोग चल दिए चाय पीने और चाय पीने के बाद फिर अपन लोग आकर बैठ, और इसके बाद काफी देर तक अपन ने हजरत जी के बयान सुने और इसके बाद 10 बजे तक दुआ स्टार्ट हो गई। سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم और यहाँ पर अपने पूरे साथी बैठे हुए हैं, कोई बैठा हुआ है कोई लेटा हुआ है। और इसके बाद अपन ने कर दी है तैयारी यहाँ से निकलने की, तो हम दोनों लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और ये वो मस्जिद है जहाँ से हजरत जी बयान करते हैं। और इसके बाद अपन चलते हैं A1 पार्किंग में जहाँ पर अपनी बाइक पार्क की थी अपन ने। तो गाइस दुआ हो चुकी है और अभी अपन आ चुके हैं पार्किंग में और गाड़ी देख रहे हैं, ये देख सकते हैं इनकी हालत, बैग आगे टांग के घूम रहे हैं। क्यों गाड़ी कहाँ गई अपनी? आगे गाड़ी जो है अपनी आगे खड़ी हुई है और दुआ हो चुकी है, तो अब घर जाने की लाइन है अपनी। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ब्लॉग्स को लाइक कमेंट और शेयर कर देना, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।